एक अच्छी सुबह और एक खुशहाल परिवार। पत्नी किचन में व्यस्त है, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं काम पर जाने के लिए तैयार हूँ। तभी बच्चे की आवाज आई, पापा आज मेरा जन्मदिन है, शाम को जल्दी घर आ जाना, मैंने अपने दोस्तों को भी बुलाया है। और हाँ, वापसी में केक, चॉकलेट और मिठाई भी जरूर लाना, ठीक है? अपना ध्यान रखना, बाय बाय बेटा। और मैं खुशी खुशी घर से निकल पड़ा। कुछ ही देर में मैं अपने कार्यक्षेत्र पहुंच गया। सुरक्षा अधिकारी ने सभी कर्मियों को सेफ्टी टॉक दिया और फिर मैंने बड़े ही उत्साह से कार्य आरंभ कर दिया। वैसे मेरे लिए ये कोई नया कार्य नहीं था, इस तरह के कार्य मैं पहले भी कई बार कर चुका था, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी कार्य संपन्न करके वापस अपने घर पहुंचना चाहता था, पर मैं नहीं पहुंच पाया। मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब होश आया तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। मैं अपने बच्चों और परिवार से घिरा हुआ था। बच्चे गमगीन थे, पत्नी की अश्रुधारा लगातार बह रही थी, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे बताया गया कि अब व्हीलचेयर ही मेरा सहारा है। मुझ पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। आमदनी का एकमात्र जरिया समाप्त हो गया। एक गलती की इतनी बड़ी सजा। मन में रह रहकर बस यही सवाल उठ रहा था कि आखिर इन छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती थी, इनकी परवरिश अब कौन करेगा, परिवार की जरूरतें कौन पूरी करेगा। मेरी एक छोटी सी लापरवाही से मेरा पूरा परिवार आज संकट में आ गया। मैं ही इन सब का दोषी हूं। हां, सिर्फ मैं ही इसका दोषी हूं। मन में यह भी सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों मैंने कभी सुरक्षा प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं दिया, क्यों सुरक्षा उपकरण पहनने में हमेशा लापरवाही बरती, क्यों कार्यस्थल में मौजूद खतरों को नजरअंदाज किया, और क्यों मैंने खतरों से निपटने के लिए साथियों और अधिकारियों की सहायता नहीं ली। तो क्या आप भी मेरी तरह लापरवाह और अति आत्मविश्वास से ग्रसित हैं? क्या आप भी मेरी तरह मूर्खतापूर्वक सुरक्षा नियमों को तोड़ते हैं? तो फिर क्या आप भी किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में हैं? दोस्तों, दुर्घटना के मूलतः दो कारण होते हैं, असुरक्षित कार्य और असुरक्षित परिस्थितियां। असुरक्षित कार्य स्वयं व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों, हेलमेट, जूता, फुल बॉडी हार्नेस, लाइफलाइन, फॉल अरेस्टर आदि का उपयोग न करना, शॉर्टकट अपनाना, जल्दबाजी में कार्य करना और लापरवाही पूर्वक कार्य करना आदि। एक विश्लेषण के अनुसार असुरक्षित कार्य दुर्घटनाओं के लिए 96% तक जिम्मेदार पाए गए हैं। असुरक्षित कार्य की आदत दुर्घटना की ओर पहला कदम होता है। सदैव ध्यान रखें, सबसे अच्छा सुरक्षा उपकरण है आपका अपना मस्तिष्क, उसका उपयोग कीजिए। दुर्घटना का दूसरा कारण है असुरक्षित परिस्थितियां, जो कि बाह्य कारणों से निर्मित होती हैं, जैसे ऊंचाई के कार्य, बिजली, क्रेन, गैस, चलती हुई मशीनें, कन्वेयर बेल्ट, तप्त धातु एवं रसायन आदि के कार्य। प्रत्येक दिन कार्य आरंभ करने से पहले कार्यक्षेत्र में मौजूद खतरों की पहचान करनी चाहिए और उसी के अनुसार समुचित सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। सदैव सतर्क रहें, सदैव सुरक्षित रहें। आवश्यकता इस बात की भी है कि हम नियर मिस प्रकरणों और पूर्व में घटित दुर्घटनाओं से कुछ सीखें और अपने कार्य व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन एवं नियंत्रण करें, ताकि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका को भी रोका जा सके। दोस्तों, मेरी सुरक्षा मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है। सुखमय जीवन का निर्माण सुरक्षा प्रथम की बुनियाद से ही शुरू होता है, अतः सुरक्षा को आत्मसात करें।
और उसे अपने आचरण में लाए। हर रोज सुरक्षा की प्रतिज्ञा ले। घर, सड़क और कार्यक्षेत्र के हर कार्यकलाप में सुरक्षा को शामिल करें। सुरक्षा की चर्चा करें। इस तरह धीरे धीरे सुरक्षा आपकी आदत बन जाएगी। सदैव याद रखें, आपका जीवन आपके परिवार के लिए अनमोल है। आप सुरक्षित यानी आपका परिवार भी सुरक्षित। सुरक्षा अपनाइए और अपने कल को बचाइए। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए? Yes. तो आइए मिलकर प्रण लेते हैं कि हम स्वयं अपनी, अपने साथियों की एवं कार्यक्षेत्र की संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। अगर आप भी शून्य दुर्घटना की लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग देना चाहते हैं तो तुरंत इसे फॉरवर्ड करें, लोगों में फैलाएं और उन्हें जागरूक बनाएं। धन्यवाद।